सच्ची कहा किसी ने, जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। बिल्कुल सही बात है, जब हम जीवन में एक बार किसी चीज को ठान लेते हैं तो फिर हमें चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरना चाहिए। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, वो एक समुद्र के बीच एक आइलैंड था, उस पे रहता था। उसके पास काफी सारी जमीन थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ पर खेती करने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। कारण था विपरीत परिस्थितियाँ। समुद्र में मौसम अचानक ही कभी भी बिगड़ जाता था, बहुत तेज जोरों की हवाएं चलने लगती थी, तूफान हो जाता था। इसके कारण उसकी फसल का काफी नुकसान हो जाता था। उसने काफी प्रयास किया लेकिन लोग नहीं मिल रहे थे, और जो लोग आते भी थे वो देखते थे, कुछ दिन रहते थे, और जैसे ही वो काम करते थे और जैसे ही ये विपरीत परिस्थितियां आती थी वो काम छोड़कर चले जाते थे। वहाँ काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। वो काफी परेशान हो गया कि कैसे अकेले वो खेती करे, कैसे इन चुनौतियों का सामना करे। अंततः उसने एक इश्तेहार निकालवाया पेपर में कि मुझे कुछ मजदूरों की जरूरत है, काम करने वाले लोगों की जरूरत है जो यहाँ आकर काम करें। बहुत सारे लोग आए, कई लोगों ने वहाँ देखा समझा, लेकिन उन परिस्थितियों को देखने जानने के बाद उन लोगों का निर्णय यही था कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। तभी उसके बीच एक लड़का आया जिसकी कद काठी भी बहुत अच्छी नहीं थी, शरीर से भी वो काफी स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वो तैयार हो गया और उसने कहा कि मैं तैयार हूँ आपके खेत में काम करने के लिए, मैं बहुत मन लगा के काम करूँगा, बस मुझे मेरे साथ एक ही चीज है, वो आप सुन लीजिए। उसने कहा क्या? बोले जब भी तेज हवाएं चलती हैं तो मैं सोता हूँ और आप मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करें। उसे उसकी बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन उसने कहा ठीक है, कोई तो मिल नहीं रहा है, ये बंदा मिला है तो मैं इसकी बात मान लेता हूँ और मैं इसे काम पे रख देता हूँ। उसने उसको हाँ कर दिया, उसकी सारी शर्तें मान ली और दूसरे दिन से उसको काम पे लगा लिया। वो लगातार काम करता जा रहा था, ये उसके काम से धीमे धीमे खुश होने लगा। कुछ ही दिन में उसने उसका दिल जीत लिया और देखा कि ये तो काफी मन लगा के काम कर रहा है, सब चीज बड़े अच्छे से चल रही थी। तभी अचानक एक दिन जोरों की हवाएं चलने लगी। मालिक को समझते देर न लगी कि मौसम बिगड़ने वाला है, तो वो दौड़ के जो है उसके पास गया जगाने के लिए लड़के के कि उठो उठो, मौसम बिगड़ रहा है और हमें खेत की तरफ चलना होगा। उसने बिना अंदर से ही कुंडी लगा के सो रहा था। उसने कहा कि देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो मैं सोता हूँ। मालिक को बड़ा गुस्सा आया, ये कैसा आदमी है, तूफान उठने को है और ये चल ही नहीं रहा है खेत पे। लेकिन उसने कहा कि इस समय अगर मैं इसके साथ बहस करता हूँ तो काफी देर हो जाएगी, मैं खुद खेत पे चले जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ क्या परिस्थिति है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो खेत पे पहुंचा वो तो देख के दंग रह गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो फसल थी बड़े अच्छे ढंग से बंधी हुई थी, फसल की जो बालें आ रही थी वो भी बड़े अच्छे ढंग से कसी हुई थी, मतलब पूरे के पूरे खेत में इतनी शानदार ढंग से बाड़ लगी हुई थी, जो जानवर थे वो यथास्थान अपने जगह बंधे हुए थे और सब कुछ इतनी मजबूती से था कि कितनी ही तेज हवाएं क्यों ना चल जाएं, वहां पे कुछ भी नहीं बिगड़ सकता था। उसका मन जो है वो खुश हो गया और उसने सोचा ये कितना अच्छा इंसान है। जी हाँ, कहानी तो बहुत छोटी सी है लेकिन शायद आप समझे नहीं कि उस व्यक्ति ने क्या कहा था। जब भी तेज हवाएं चलती हैं तो मैं सोता हूँ, तेज हवाओं से मतलब था जीवन में आने वाले तूफानों से, क्योंकि बिल्कुल यही हमारे साथ भी होता है। सभी के जीवन में परिस्थितियां एक सी कभी नहीं रहती। हमारे जीवन में यदि सुख का समय थोड़ा रहता है तो परेशानियों का समय ज्यादा रहता है। यदि हम अपने जीवन में पहले से तैयार नहीं हुए चीजों के लिए, आपको परीक्षा पास करनी है, आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन या एक रात की पढ़ाई आपको अव्वल नंबर से पहला स्थान नहीं दिला सकती। उसी तरीके से आपको जीवन में यदि आपने थोड़ी थोड़ी पूंजी अपनी जमा नहीं की तो जब कभी आपको पैसों की आवश्यकता होगी तो आपके पास अचानक से धन कभी नहीं आएगा, आपको उसके लिए शुरू से तैयार रहना पड़ेगा। आपने यदि शुरू से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा और थोड़ा उम्र बढ़ने पर
एक थपेड़े में ही आप धराशायी हो गए, तो अब आप उड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने उसका शुरू से ध्यान ही नहीं रखा। जीवन में चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे पैसे की बात हो, चाहे हमें जीवन में ऊंचा उठना हो, यदि हम चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से तैयार नहीं हैं, ये चुनौतियां हमें जो है धराशाही कर देंगी। और यदि हम तैयार हैं तो हम इन चुनौतियों को जीत कर अपने जीवन में फतह हासिल कर लेंगे। छोटी सी कहानी थी, कैसी लगी आपको? फिर मिलेंगे एक नई सोच एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।